Dax Tutorials, a step towards the success with trust. Friends, welcome to you in your YouTube channel Dax Tutorials. Last videos में हमने आपको exercise 7.3 बताई थी. आज चलते हैं आपके next exercise 7.4 की ओर, यानी 7.4 optional exercise की ओर, in which your first question is that determine the ratio in which the line 2x plus y minus 4 equal to 0 divides the line segment joining the points A 2, minus 2 and B 3, 7. यानी आपको वो रेशियो फाइंड करना है जिसमें ये दी हुई लाइन 2x plus y minus 4 equal to 0 इन दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड करती है. तो लेट द रेशियो इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, लेट मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट AB है जिसके द्वारा ये लाइन L इसको डिवाइड करती है. अब ये रेशियो हमें पता करना है कि AP रेशियो BB क्या होगा, यानी लेट द रेशियो इक्वल टू M1 रेशियो M2 मान लें या K रेशियो बनवा लें, एक ही बात है. K रेशियो बनवा लीजिए तो ज्यादा जी होगा कि वो बन वैल्यू आ जाएगा. K रेशियो बन, अब हमारा ये रेशियो आ गया. अब कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट P क्या हो जाएंगे, बाई सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट का फॉर्मूला हमारा क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 by 2 प्लस m2 by 1 अपॉन m1 प्लस m2. इस तरीके से ये आपका x1 by 1, ये x2 और ये by 2, ये आपका m1 और ये आपका m2. अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, m1 हमारा k इंटू x2, x2 हमारा कितना 3 प्लस m2 हमारा 1 और x1 हमारा 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमा दूसरा m1 की जगह हमारा k मल्टीप्लाई बाय 2, बाय 2 हमारा 7 प्लस m2 1 और बाय 1 हमारा माइनस 2 अपॉन हमारा होगा k प्लस 1. सॉल्व करेंगे इसको तो हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 कॉमा 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1. बट दिस पॉइंट कोऑर्डिनेट ऑफ पी, पॉइंट पी लाई ऑन द गिवन लाइन सिंस पॉइंट पी lies on the given line 2x plus y minus 4 equal to 0. So put x equal to, हम क्या रख देंगे, first x coordinate हमारा क्या है 3k plus 3k plus 2 upon k plus 1 and y equal to 7k minus 2 upon k plus 1. ये वाले सपोर्ट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 multiply bracket 3k plus 2 upon k plus 1 plus y की वैल्यू 7k minus 2 upon k plus 1 minus 4 equal to 0. 4 को जाने दीजिए, कैल्सियम ले लीजिए, ये 3 2 या एलसीएम हुआ के प्लस वन, ये हुआ टू टू थ्री या सिक्स प्लस टू टू या फोर प्लस टू थ्री या सिक्स के टू टू या फोर प्लस सेवन के माइनस टू इक्वल टू फोर, ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा. आगे सॉल्व करते हैं इसको, 2k और 6k और 7k होगा 13k
प्लस टू, टू में फोर में से टू गया टू में से, और के प्लस वन को इधर भेज देंगे तो फोर मल्टीप्लाई के प्लस वन, सॉल्व करेंगे आप इसको, थर्टीन के प्लस टू इक्वल टू फोर के प्लस फोर, टू इधर और के इधर, थर्टीन के माइनस फोर के इक्वल टू फोर माइनस टू, थर्टीन में से फोर गया तो बचा नाइन, नाइन के इक्वल टू टू, के इक्वल टू का हमारा टू अपॉन नाइन, इस तरह और रेशियो हमारा क्या हो जाएगा, के अपॉन वन मान सकते इसको, दैट इज के रेशियो वन इक्वल टू टू रेशियो नाइन, सो रिक्वायर्ड रेशियो हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू टू रेशियो नाइन, दैट वी हैड टू फाइंड, यानी पॉइंट जो लाइन है इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को, पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने वाला सेगमेंट को टू रेशियो नाइन में डिवाइड करती है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर टू इन विच सेइंग दैट फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इफ द पॉइंट्स एक्स कॉमा वाई वन कॉमा टू एंड सेवन कॉमा जीरो आर कोलिनियर, यानी ये पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो हमें एक्स और वाई में रिलेशन फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे सबसे पहले यहाँ Since points are collinear, जब point collinear होते हैं तो area of triangle क्या होता है? Therefore area of triangle equal to zero. Area of triangle का formula 1/2 bracket x1 by 2 minus by 3 plus x2 by 3 minus बाई वन प्लस एक्स थ्री बाई वन माइनस बाई टू इक्वल टू जीरो, वन पॉइंट टू को जीरो में देंगे, एक्स वन बाई वन की वैल्यू आ देंगे, ये मान लीजिए आपका एक्स वन एक्स टू बाई टू एक्स थ्री और ये बाई थ्री, वैल्यू पुट करते हैं, वन पॉइंट टू आपका जीरो चलाया उधर, एक्स वन हमारा कितना एक्स ब्रैकेट बाई टू हमारा कितना टू माइनस बाई थ्री कितना जीरो प्लस एक्स टू हमारा कितना टू सॉरी वन, एक्स टू हमारा वन है, वाई थ्री, वाई थ्री हमारा कितना जीरो माइनस वाई वन हमारा कितना वाई प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री हमारा सेवन, वाई वन हमारा वाई माइनस वाई टू हमारा टू, वाई टू हमारा कितना टू और इक्वल टू हो जाएगा हमारा जीरो, अगर सॉल्व करते हैं इसको ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस सेवन वाई माइनस फोर्टीन इक्वल टू जीरो, हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा यहाँ 2x प्लस सिक्स वाई इक्वल टू फोर्टीन, डिवाइडिंग बाई टू कर सकते हैं ऑन बोथ साइड, बाई टू ऑन बोथ साइड्स, वी गेट टू से डिवाइड करोगे तो x प्लस थ्री वाई इक्वल टू सेवन, इतना ही छोड़ सकते हैं या सेवन को इधर ट्रांसफर करके भी ले सकते हैं, एक ही बात होगी x प्लस थ्री वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो, दोनों ही आंसर सही है, ये छोड़ दो तब भी सही है, तो भी सही। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर थ्री इन विच सेइंग दैट फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स सिक्स कोमा माइनस सिक्स थ्री कोमा माइनस सेवन एंड थ्री कोमा थ्री, यानी एक पॉइंट से होकर के जाने वाला हमें सर्किल का सेंटर फाइंड करना है, तो मान लीजिए ये सर्किल है जिसके जिस पर कोई थ्री पॉइंट पी क्यू आर सिचुएटेड है, तो हमें पता करना है इस पॉइंट सेंटर ओ के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा वाई को हम इसको एज्यूम कर लेते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ रेडियस ऑफ सर्किल ऑलवेज इक्वल लेट पी सिक्स कॉमा माइनस सिक्स क्यू थ्री कॉमा माइनस सेवन
एंड आर 3.3 लाई ऑन ए सर्किल, ये आपको गिवन है, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। तो आप यहां देखेंगे सिंस ओपी इक्वल टू ओक्यू का रेडियाई, ओपी हमारा ओ से पी तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एक्स का होल स्क्वायर और अंडर रूट इक्वल टू इधर ओ क्यू हमारा इसी तरह से करेंगे एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस सेवन का होल स्क्वायर और बोथ साइड में अंडर रूट। अब आप यहाँ स्क्वायरिंग कर देंगे तो रूट हट जाएगा ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट हट गया आपको यहाँ एक्स माइनस एक्स का होल स्क्वायर बोल देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ऐसे से बोल देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y इक्वल टू इधर हमारा आएगा ही एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस इधर आपका वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट जाएगा। इधर आपका माइनस के 12x प्लस 12y प्लस 72 इक्वल टू इधर आपका हो जा माइनस 6x प्लस 14y प्लस 58 12x इधर आ जाएगा प्लस 6x माइनस 14y इक्वल टू 58 माइनस 72 फिर तो चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं माइनस के 6x 12y में 14 का माइनस के 2y इक्वल टू 72 में 58 माइनस करेंगे हम कितना बचेगा 14 माइनस का पूरी इक्वेशन और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें इक्वेशन सिंपलीफाई हो जाएगा दैट माइनस टू ऑन बोथ साइड माइनस टू से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 3x प्लस का प्लस वाई इक्वल टू 7 दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आगे लेते हैं पहले हमने ओपी इक्वल टू ओक्यू लिया अब ओपी इक्वल टू ओआर या ओपी इक्वल टू ओआर ले लेंगे OQ equal to OR. Therefore, OQ that is x minus 3 का whole square plus y plus 7 का whole square equal to OR x minus 3 का whole square plus y minus 3 का whole square. इसे सॉल्व करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस सेवन का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर से एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर कट गया पूरा पूरा इसे एक्सपेंड कर देंगे वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y इक्वल टू इधर आपका वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस एक्स वाई
ट्रांसफर कर लेंगे सभी को इधर, 22² + 49 + 14y - y², इधर 22² से 22² कट गया आपका, ये 22² से 22² कट जाएगा। अब बचा आपका कितना, 14y + 6y = 9 - 49, ये आपका 20y = -40। तो y इक्वल टू हमारा कितना हुआ यहाँ से, 22 या 40, दैट इज -2। पुट इन फर्स्ट, y = -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट में जब पुट करेंगे इसको हमें क्या मिलेगा, 3x - 2 = 7, 3x = हमारा 7 + 2, दैट्स व्हाई 3x = 9, इंप्लाई दैट x = 3, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर हमारे क्या हो जाएंगे, x, y, दैट इज 3, -2, यहां से लिख देंगे आप, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर इक्वल टू x, y, दैट इज 3, -2, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच वी हैव गिवन द टू अपोजिट वर्सेस ऑफ योर स्क्वायर आर -1, 2 and 3, 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्सेस। मान लीजिए अभी आपका ए बी सी डी को ये स्क्वायर है, इसके दो अपोजिट वर्सेस के कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं, लेट एन स्क्वायर ए बी सी डी, आपका एक वर्टेक्स इधर -1, 2 दिया है और दूसरा वर्टेक्स सी आपको दिया 3, 2, ए -1, 2 एंड सी 3, 2 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी x, y मान लीजिए इसका ये, अभी क्योंकि ये सभी साइड इक्वल होती हैं तो आप ये लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल टू बी सी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, देयरफॉर ए से बी तक यानी बी x + 1 का होल स्क्वायर + y - 2 का होल स्क्वायर = bc x - 3 का होल स्क्वायर + y - 2 का होल स्क्वायर। रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड रूट हट जाएगा, साथ ही साथ हम इसका होल स्क्वायर भी खोल देंगे, x² + 1 + 2x + y² + 4 - 4x - 4y = x² + 9 - 6x + y² + 4 - 4y। देखिए x² y² से x² y दोनों तरफ कट गया, आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखिए आपका हो जाएगा 2x - 4y + 5 = -6x - 4y + 13, 9 + 4 = 13 होगी। आगे x y इधर ले आइए, 2x - 4y + 6x + 4y, ये 4y से 4y काट दीजिए, माइनस का 4y इधर भी माइनस का 4y कर दिया, यहाँ भी कट जाता पहले हमने काटा नहीं, तो इस तरीके से हमारा क्या बचा है, 2x + 6x = 13 - 5, राइट, 8x = 8, दैट्स वाई x = हमारा कितना हो गया 1।
x1 हो गया। आफ्टर दैट अगर हम डायगोनल एसी को ज्वाइन करते हैं तो एक राइट ट्राइंगल बन जाएगा, नॉर्मल ट्राइंगल एबीसी। एबीसी में आपका ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी स्क्वेयर कैसे हुआ पीजीटी से। ए बी स्क्वेयर मतलब डिस्टेंस ए बी का स्क्वेयर, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वेयर प्लस फाइव माइनस टू का होल स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर सेम बी सी वाला ये उधर वाला हो जाएगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वेयर प्लस वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये वाला हमारा कितना हो जाएगा थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर और प्लस टू माइनस टू का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, ये हमारा एक्स स्क्वायर बट एक्स इक्वल टू हमारा क्या वन है तो पुट एक्स इक्वल टू वन हो जाएगा वन प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई प्लस वन माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये प्लस फोर और माइनस फोर वाई ये माइनस की होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर ये आगे स्टेप से को बढ़ाते हैं थ्री प्लस वन फोर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस टू माइनस टू जीरो आगे बढ़ते हैं इसको। वन प्लस वन टू टू का स्क्वायर फोर हो गए प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई माइनस टू का स्क्वायर भी फोर हो गए और ये प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस फोर प्लस वाई स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर वाई इक्वल टू सिक्सटी। सब करेंगे वाई स्क्वायर हमारा कितना होगा टू वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस फोर वाई माइनस एट वाई इक्वल टू सॉरी फोर 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 प्लस सिक्सटीन इक्वल टू 16 तो 16 काट गया दैट इज आपका 2 वाई कॉमन आ जाएगा तो बचा अब आपका वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। एक बार 2 वाई इक्वल टू जीरो लेंगे 2 वाई इक्वल टू जीरो यानी वैन 2 वाई इक्वल टू जीरो तो वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा जीरो एंड वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो दैट इज y इक्वल टू फोर y इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू फोर दो वैल्यू y की वैल्यू होती है। हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर टू वर्सेस हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर टू वर्सेस इक्वल टू पहला हमारे वैल्यू वन है तो वन कोमा जीरो और दोबारा वाई इक्वल टू फोर यानी एक्स की वैल्यू कॉमन है दोनों के लिए हमारा वन कोमा जीरो और वन कोमा फोर दूसरी वैल्यू हुई वन कोमा दीज आर द टू वर्सेस ऑफ अदर टू सॉरी दीज आर द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर टू वर्सेस बी का ही हो गया और सी का ही हमारे एक वन कोमा जीरो होगा दूसरा वन कोमा फोर होगा। After that, your question number 5, the class 10th student of a secondary school in Krishinagar have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activities. Sapling of gulmohar are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. There is a triangular grassy lawn in the plot edge shown in the figure. 7.14 The students are to sow seeds of flowering plants on the remaining area of the plot. Taking A as a origin, find the coordinate of the vertices of the triangle. यानी A को origin मान करके हमें
कोऑर्डिनेट पता करने हैं, एंड व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इफ सी इज द ऑरिजिन। अगर सी ऑरिजिन है तो उसके एरिया कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इसके बाद पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन दीज केसेस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। इन केसेस में आपको एरिया ट्राइंगल फाइंड करना है, तो वेन द और ओरिजिन के यानी कि कोऑर्डिनेट की फाइंड करने हैं। नंबर वन, वेन ए इज ऑरिजिन, ए ऑरिजिन है, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर। पी की बात करेंगे तो हमारा कितना होगा यहाँ 1 2 3 4, 4, ये आप देखिए कितना पी, 4, 1 2 3 4 5 एंड 4, 5। क्यू के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे 3, 3, 2 और आर के कोऑर्डिनेट हमारे होंगे 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 5 यानी 6.5। अब हमें इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट x1 / 2 - y3 + x2 / 3 - y1 + x3 / 1 - y2। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 1/2 x1 यानी 4, x1 y1 x2 y2 x3 और y3। x1 हमारा कितना 4, y2 हमारा कितना 2 माइनस y3 कितना हमारा 5 प्लस x2 हमारा कितना 3, y3 कितना हमारा 5 माइनस y1 कितना हमारा 5 और ये 4 के कोऑर्डिनेट आपके होंगे 6, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो पी के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होंगे 1, 2, 3, 4, 6 होंगे, बताइए पी के कोऑर्डिनेट 4, 6 होंगे, ये बताइए पी के कोऑर्डिनेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 होंगे, 4.6 होगा। इस तरह से आप देखिए x1 हमारा सही है, x1 हमारा 4, y2 हमारा 2 माइनस 5, y3 हमारा 5 सही है, प्लस x2 हमारा 3 ठीक है, और y3 5 माइनस बाई वन हमारा 6 होगा यहाँ पर। इसके बाद x3 हमारा कितना 6 ब्रैकेट बाई वन हमारा कितना 6 माइनस बाई टू कितना हमारा 2। सॉल्व करेंगे 1/2 4 × 3 - 1 + 6 × 4। सॉल्व करेंगे 1/2 4, 3 = 12 माइनस का माइनस के 3 बन जाए 3 और ये प्लस 6, 4 = 24 हमारा हुआ ये 1/2 × 24 में से 15 माइनस करेंगे 9 बचेगा, दैट इज 9/2 यूनिट स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हो गया। अब ये तो उस कंडीशन में था जब पॉइंट ए ओरिजिन था, जब वेन द पॉइंट सी इज ओरिजिन। सेकंड कंडीशन में वेन द पॉइंट सी इज ओरिजिन, यानी जब सी ओरिजिन होगा तो कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा पी के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ पी
coordinate of triangle PQR and the vertices of triangle PQR. P for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 2. R के P Q के क्या होंगे हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 को हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 6 और R के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10, 3. Now, area of triangle PQR. Equal to 1 upon 2. X1 by 2 minus by 3. Plus X2 by 3 minus by 1. Plus X3 by 1 minus by 2. अपॉन टू एक्स वन हमारे पास सेम उसी तरीके से एक्स वन बाई वन एक्स टू बाई टू एक्स थ्री बाई थ्री एक्स वन हमारा कितना 12 ब्रैकेट बाई टू हमारा कितना 6 माइनस बाई थ्री थ्री प्लस एक्स टू हमारा कितना 13 बाई थ्री हमारा कितना 3 माइनस बाई वन कितना 2 प्लस x3 हमारा कितना 13 सॉरी x3 10 और y1 हमारा है 2 y2 हमारा है 6 सॉल्व करते हैं इसको 1 upon 2 12 multiply 3 minus sorry plus 13 multiply 1 प्लस 4 बचेगा तो माइनस 40 हो जाएगा यानी प्लस 10 मल्टीप्लाई माइनस 4 आगे सॉल्व करते हैं इसको 1 अपॉन 2 36 प्लस 13 माइनस 40 दैट इज 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9 36 और 13 49 49 में से 40 का तो 9 हो जाएगा This is 9 upon 2 unit square. Area, दोनों सिचुएशन ये दी है. आई विल आल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हाट डू यू ऑब्जर्व आपको आपको क्या मिलता है यानी दोनों कंडीशन में एरिया सेम है इन बोथ कंडीशन यानी वी ऑब्जर्व दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज सेम इन बोथ केसेस यानी दोनों केस में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर कैसा है सेम आ रहा है DAX Tutorials presents online interactive live classes mobile number 8279452537. Here is question number 6 in which we have given the vertices of a triangle ABC are A 4,6, B 1,5 and C 7,2. A line is drawn to intersect side AB and AC at D and E respectively such that AD upon AB equal to AE upon AC equal to 1 upon 4 and calculate the area of the triangle ADE and compare it with the triangle with the area of triangle ABC. देखिए आपको एक ट्राइंगल ABC दिया हुआ है इसमें आपके वर्टिसेस A, B, C दिए हुए हैं और एक लाइन DE इस तरह से खींची जाती है कि AD upon AB equal to AE upon AC equal to 1 upon 4 होता है इसका मतलब AD part 1 है और AE part 4 है right? AB, AD upon AB लिखा हुआ है तो AD 1 और AB आपका 4 इट मींस BD जो पार्ट है वो 3 है इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर AD
ratio BD equal to of 1 ratio 3, right? And same as AE ratio BCE is also 1 ratio 3. अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे. इसका मतलब D के कोऑर्डिनेट फाइंड करें बाई सेक्शन फॉर्मूला. कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, यानी फॉर्मूला होता है हमारा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन एम वन प्लस एम टू कॉमा एम वन बाई टू प्लस एम टू बाई वन अपॉन एम वन प्लस एम टू. आफ्टर दैट कोऑर्डिनेट ऑफ डी डी इसमें आपका ए के कोऑर्डिनेट है 4.6, तो हमारा क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट ऑफ डी में एम वन हमारा 1, एक्स टू हमारा कितना है 1 प्लस एम टू हमारा 3 और एक्स वन देखिए हमारा हो गया एम वन एम टू और ये हमारा हो गया एक्स वन बाई वन, ये हो गया हमारा एक्स टू बाई टू. अब एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन कितना 4 अपॉन हमारा होगा 1 प्लस 3, राइट. ऐसे ही हमारा एम वन बाई टू हमारा कितना है 5 प्लस एम टू 3 और बाई वन हमारा 6 अपॉन होगा हमारा 1 प्लस 3. तो हमारा जो सिंप्लीफाई करेंगे इसको मिलेगा 1 प्लस 1 वन जा 1 3 4 जा 12 अपॉन 4 कॉमा 5 वन जा 5 प्लस 3 6 जा 18 अपॉन 4. तो हमारा जो कोऑर्डिनेट हुआ वो हुआ 13 अपॉन 4 कॉमा 23 अपॉन 4, यानी जो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हुए वो हो गए डी के हो गए हमारे कितने कोऑर्डिनेट 13 अपॉन 4 कॉमा 23 अपॉन 4. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ डी. अब कोऑर्डिनेट ऑफ ई फाइंड करते हैं सेम ऐसे. कोऑर्डिनेट ऑफ ई के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आप क्या करेंगे सेम उसी तरीके से एम वन हमारा 1 एक्स टू हमारा 7 प्लस एम टू 3 एक्स वन हमारा 4 अपॉन 1 प्लस 3 कॉमा 1 मल्टीप्लाई एम वन बाई टू हमारा 2 प्लस एम टू 3 बाई वन हमारा 6 अपॉन 1 प्लस 3. सिंप्लीफाई करते हैं इसको भी 7 जा 7 प्लस 3 4 जा 12 अपॉन 4 कॉमा 2 वन जा 2 प्लस 3 6 जा 18 अपॉन 4. सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा कोऑर्डिनेट हुआ इसका ये 7 प्लस 12 19 अपॉन 4 कॉमा 18 प्लस 2 20 अपॉन 4 यानी 5, राइट. अब निकालना हमें यानी ई के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे 19 अपॉन 4 कॉमा 5, राइट. अब इसका एरिया फाइंड करना है तो ट्राइंगल ए डी ई ए है आपका 4.6, राइट. डी है हमारा 13 अपॉन 4 कॉमा 23 अपॉन 4 और ई है हमारा 19 अपॉन 4 कॉमा 5. अब एरिया ट्राइंगल ए डी 1.2 ब्रैकेट एक्स वन बाई टू माइनस बाई वन प्लस एक्स टू बाई टू माइनस बाई थ्री एक्स टू बाई थ्री माइनस बाई वन प्लस एक्स थ्री बाई वन माइनस बाई टू. वैल्यू पुट कर देंगे 1.2 एक्स वन हमारा ये बाई वन एक्स टू बाई टू एक्स थ्री बाई थ्री. इस तरह लिखने से गलती कम होती है, गलती होने के चांस कम हो जाते हैं. एक्स वन हमारा 4 है बाई टू हमारा 23 अपॉन 4 है माइनस बाई थ्री हमारा 5 है
वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू हमारा 13 अपॉन 4, वाई थ्री हमारा है 5 माइनस वाई थ्री माइनस वाई टू वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई थ्री वाई वन वाई वन वाई टू ठीक है। इसके बाद हमारा वाई थ्री माइनस वाई थ्री हो गया 5 माइनस वाई वन हमारा 6 प्लस एक्स थ्री हमारा 19 अपॉन 4 और वाई वन हमारा है 6 माइनस वाई टू हमारा 23 अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करते हैं 1 अपॉन 2 4 मल्टीप्लाई 4 5 और 20 23 में से 20 गया तो 3 अपॉन 4 प्लस इधर आप करेंगे 13 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 प्लस 19 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 6 4 या 24 में से 23 गया तो 1 अपॉन 4 1 अपॉन 2 एलसीएम लेंगे 4 4 या 16 एलसीएम हो गया ये हमारा हुआ 4 3 या 12 4 से 4 कट गया 3 16 3 या 48 ये 4 से 4 काट दीजिए आपने एलसीएम 63 या 48 प्लस 4 4 या 16 और ये माइनस आ गया यहाँ पर क्योंकि माइनस है यहाँ पर ही और चलिए आप ऐसे लिख लीजिए उसके बाद आना 1 अपॉन 2 प्लस 3 माइनस 13 अपॉन 4 प्लस 19 अपॉन 16। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं 1 अपॉन 2 ब्रैकेट एलसीएम लेंगे कितना होगा 16 राइट अब होगा 63 या 48 उसमें आ गया माइनस 4 4 या 16 13 4 या 52 प्लस 16 19 ही होगा। आगे सॉल्व करते हैं 48 में माइनस फोर पहले हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी भी फाइंड करना होगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल टू 1 अपॉन 2 ब्रैकेट एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू ये एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू और ये आपका एक्स थ्री वाई थ्री वेरी गुड करेंगे 1 अपॉन 2 ब्रैकेट एक्स वन हमारा 4 वाई टू हमारा 5 वाई थ्री हमारा 2 राइट प्लस एक्स टू हमारा कितना 1 वाई थ्री हमारा 2 वाई वन हमारा 6 प्लस एक्स थ्री हमारा 7 वाई वन हमारा है 6 माइनस वाई टू हमारा है 5। आगे सॉल्व करते हैं 1 अपॉन 2 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस का 4 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 सॉल्व करेंगे इसको 1 अपॉन 2 4 3 है 12 प्लस माइनस का 4 और प्लस 7 दैट इज 12 में से 4 का 8 हो जाए 8 और 7 15 अपॉन 2 दैट इज 15 अपॉन 2 यूनिट स्क्वायर। ये हमारा एरिया ट्राइंगल एबीसी हो गया। अब इनके एरिया का कंपैरिजन करना है अब आप यहां देखेंगे एरिया एडीई अपॉन एरिया एबीसी
इक्वल टू एडी का एरिया हमारा 15 अपॉन 32, इसका एरिया 15 अपॉन 2। देखिए आई सब पे करते हैं, 15 मल्टीप्लाई 2 होगा, इधर आपका 15 मल्टीप्लाई 32 होगा, राइट। इतना भी लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं एरिया एबीसी इक्वल टू 16 एरिया एडी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 6। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 7, लेट ए 4.2, बी 6.5 एंड सी 1.4 बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, देन द मीडियन ऑफ नंबर 1, द मीडियन ऑफ मीडियम फ्रॉम ए मीट्स बी सी एट डी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी ऑन ए डी सच दैट ए पी रेशियो पी डी इक्वल टू 2:1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू एंड आर ऑन द मीडियम बी ई एंड सी एफ रिस्पेक्टिवली सच दैट बी क्यू रेशियो क्यू ई इक्वल टू 2:1 एंड सी आर रेशियो आर एफ इक्वल टू 2:1। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आपको पहले क्या करना है, ए डी इसका मीडियन है तो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, आप लिखेंगे सेंस ए डी इज ए मीडियन, देयर फोर डी इज ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी, राइट। डी मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 हमारा हो जाएगा 6 प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा 5 प्लस 1 4 अपॉन 2, कोऑर्डिनेट हुए हमारे 7 अपॉन 2 कॉमा 9 अपॉन 2। अब उसने कहा कि पॉइंट पी डिवाइड्स द एडी सच दैट एपी रेशियो पीडी इक्वल टू 2:1, एपी रेशियो पीडी इक्वल टू 2:1, कोऑर्डिनेट ऑफ पी यानी ये हो गया हमारा 7y2, 9y2। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पी बाई सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ऑफ पी फॉर्मूला होता है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमारा क्या है, वैल्यू पुट करते हैं, m1 का मतलब 2, m1 x2, x2 का मतलब 7 अपॉन 2 प्लस m2 का मतलब 1 मल्टीप्लाई m2 x1, x1 का मतलब 4 अपॉन 2 प्लस 1, राइट कॉमा m1 2 by 2, m1 by 2 का मतलब 9 अपॉन 2 प्लस m2 1 और by 1 हमारा 2 अपॉन 2+1। ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कट गया, तुम्हारा कोऑर्डिनेट हुआ कोऑर्डिनेट ऑफ पी फोर बन जा 4 और 7 प्लस 4 अपॉन 3 कॉमा 9+2 अपॉन 3, कोऑर्डिनेट हुए हमारे 11 अपॉन 3 कॉमा 11 अपॉन 3।
इसी तरीके से आप ये कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू एंड आर ऑन द मीडियन बी ई एंड सी एफ। अब मान लीजिए बी ई इज द मीडियन, सिंस बी ई एंड सी एफ आर मीडियंस, देयरफॉर डी सॉरी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड AB, AC एंड AB हो गया, therefore coordinate of E by midpoint formula निकालेंगे आप coordinate of E, तो 4 plus 1 और 2 plus 4, 4 plus 1 upon 2, comma 2 plus 4 upon 2 कोऑर्डिनेट हमारा हो गया ई का 5.2, 3, यानी ई का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा, कोऑर्डिनेट ऑफ ई आ गया ही। अब हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, ऑफ एफ कोऑर्डिनेट ऑफ एफ हमारा क्या हो जाएगा, 4 + 6 अपॉन 2, 2 + 5 upon 2 इक्वल टू 4 + 6 = 10 यानी 5 यानी 7/2। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ एफ, यानी ई और एफ के आपने कोऑर्डिनेट फाइंड कर दिए। ई का कोऑर्डिनेट है आपका 5/2, 3 और एफ के कोऑर्डिनेट है आपके, एफ का कोऑर्डिनेट आपका निकला है 5, 7/2। अब आप सेम उसी तरीके से अब दिया हुआ है बी क्यू रेशियो क्यू ई, बी क्यू रेशियो क्यू ई फॉर्मूला हम लिखेंगे m1x2 + m2x1 upon m1 plus m2, m1 by 2 plus m2 by 1 upon m1 plus m2, M1 की वैल्यू हमारी 2, बात हो रही है BE की, ये X1 Y1 X2 Y2 तो M1 X2, X2 हमारा कितना है 5/2 प्लस M2 1, X1 हमारा कितना है 6 अपॉन 2 + 1 कोमा ऐसे ही M1 1, M1 हमारा 2, Y2 हमारा 3 प्लस M2 1 और Y1 हमारा है 5 upon 2 + 1। ये हमारा 2 से 2 कट गया तो हमारा 5 + 6/3, 6 + 5/3 कोऑर्डिनेट हुए हमारे 11/3, 11/3। अब सेंस सी आर रेशियो आर एफ इक्वल टू 2:1 कोऑर्डिनेट ऑफ आर, कोऑर्डिनेट ऑफ आर वही सेक्शन फॉर्मूला लगेगा हमारा, m1x2 + m2x1 upon m1 plus m2, m1 by 2 plus m2 by 1 upon m1 plus m2। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें और हमारा
आर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ आर एम वन एक्स टू, एम वन हमारा रेशियो टू, सी आर की बात हो रही, आर हमारा कौन सा है इसका मिड पॉइंट है सी एफ का, एम वन हमारा होगा टू, एक्स टू हमारा फाइव प्लस एम टू वन और एक्स वन वन, एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन अपॉन टू प्लस वन कॉमा टू मल्टीप्लाई एम वन बाई टू सेवन अपॉन टू प्लस वन मल्टीप्लाई फोर अपॉन टू प्लस वन, इस तरह कोऑर्डिनेट ऑफ आर हुआ हमारा टू फाइव टेन प्लस वन अपॉन टू कॉमा टू से टू कट गया सेवन प्लस फोर अपॉन टू, दिस इज इलेवन अपॉन टू कॉमा इलेवन अपॉन टू। आप देख रहे हैं सभी पॉइंट के जो रेशियो हैं वो सॉरी कोऑर्डिनेट है वो सेम आ रहा है, यानी पी का चाहे हमने पी का फाइंड किया चाहे क्यू का फाइंड किया चाहे आर का फाइंड किया सभी का हमने कोऑर्डिनेट कैसा पाया सही पाया। तो उसने पूछा आप फोर्थ पार्ट में व्हाट डू वी ऑब्जर्व, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, यू ऑब्जर्व दैट ऑल पॉइंट हैव द सेम कोऑर्डिनेट फोर्थ पार्ट में, हेंस वी ऑब्जर्व that all points P, Q and R have same coordinate, यानी सभी के कोऑर्डिनेट सेम है, दैट इज 11.2 कॉमा 11.2। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश, आज के लिए वीडियो में इतना ही, ओ सॉरी आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर फाइव दिया हुआ है उन्होंने, इसी का पार्ट फाइव है, इफ एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एंड एक्स थ्री वाई थ्री आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर्स ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, अगर एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू ट्रायंगल एबीसी के कोऑर्डिनेट हैं तो हमें उसका वो भी फाइंड करना है रेशियो वो सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर और कोऑर्डिनेट फाइंड करने। आपने देखा यहाँ पर सभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम आए, इसका मतलब जो मीडियंस हैं वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमारा सेंटर होगा, इसका मतलब इसका जो रेशियो है वो क्या है टू रेशियो वन है। आफ्टर दैट फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इन विच वी हैव गिवन इफ एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू यानी इफ ए x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 are the vertices of triangle abc find the coordinate of the centroid of the triangle, centroid के coordinate आपको find करने हैं, जैसे आप जानते हैं centroid क्या करता है 2 ratio 1 में divide करता है, मान लीजिए इसका centroid o है इसके coordinate में find करने हैं, ये जो divide करता है 2 ratio 1 में divide करता है, पहले d के find करिए आप, since let AD is a median and O is the centroid. O is the centroid. Therefore, coordinate of D हमारा क्या हो जाएगा मिड पॉइंट होगा इसका x2 plus x3 upon 2 comma by 2 plus 3 upon 2 यानी हो गया हमारा x1 plus y x2 plus y2 x2 plus x3 upon 2 comma by 2 plus by 3 upon 2। अब सिंस सेंट्रोइड divides it, divide the median
n 2 ratio 1. Coordinate of centroid O. Bisection formula. Section formula coordinate of O. सेंट्रोइड O. सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे आप यहाँ M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 कोमा M1 by 2 प्लस M2 by 1 अपॉन M1 प्लस M2. अब इसमें M1 हमारा रेशियो 2 है, 2 मल्टीप्लाई M1 X2, X2 हमारा ये हो गया, यानी X2 प्लस X3 अपॉन 2 प्लस M2 1, X1 हमारा X1 अपॉन 2 प्लस 1 कोमा M1 बाय 2, M1 हमारा 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ बाय 2 प्लस I3 upon 2 plus 1 multiply by 1 upon 2 plus 1. सॉल्व करेंगे आप इसको, 2 से 2 कट गया, यहाँ पर 2 से 2 कट गया. अब आप देखेंगे x2, x3, x1 हुआ, तो क्रम से लिखेंगे तो यह x1 plus x2 plus x3 upon 3. इधर आपका y1 plus y2 plus y3 upon 3. इसी तरह कोऑर्डिनेट ऑफ़ द सेंट्रोइड ऑफ़ द ट्रायंगल ABC. After that, your question number 8, in which ABCD is a rectangle formed by the points A, minus 1, minus 1, B, minus 1, 4, C, 5, 4, D, 5, minus 1. If P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively, is the quadrilateral PQRS A square, a rectangle, a rhombus, justify your answer. ये बताना है कि अगर आपको एबीसीडी का आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, इसके सभी वर्टिसेस आपको दिए गए हैं, पी क्यू आर इनके साइड के मिड पॉइंट हैं, ए बी बी सी सी डी दिए गए. अब आपको बताना है पी क्यू आर एस जो क्वाड्रिलेटरल है वो स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोम्बस है. तो इसका मतलब हम पहले इसके पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करने हैं. सिंस पी कॉमा क्यू कॉमा आर एंड एस आर द मिड पॉइंट of AB, BC, CD and DA. तो coordinate of P हमारा coordinate of P है हमारा क्या हो जाएगा, यानी इन दोनों AB का मिड पॉइंट हो जाएगा, that is minus 1, minus 1 upon 2, comma minus 1 plus 4 upon 2. सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस टू अपॉइंट टू, यानी माइनस वन कॉमा थ्री अपॉइंट टू. ये पी के कोऑर्डिनेट हो गए माइनस वन कॉमा थ्री अपॉइंट टू. अब निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू. कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू निकालेंगे आप कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू में हमारा क्या होगा, इन दोनों का मिड पॉइंट हो जाएगा, तो ये माइनस वन प्लस फाइव अपॉइंट टू कोमा फोर प्लस फोर अपॉइंट टू. सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा फोर अपॉइंट टू यानी टू कोमा एट अपॉइंट टू यानी फोर, यानी ये कोऑर्डिनेट हो गए हमारे टू कोमा फोर. अब फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ आर. कोऑर्डिनेट ऑफ आर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 5 प्लस 5 अपॉन 2 कॉमा 4 माइनस 1 अपॉन 2. कोऑर्डिनेट हुआ ये 5 प्लस 5 10 अपॉन 2 यानी 5 कॉमा माइनस 4 माइनस 1 3 यानी दैट इज 3 अपॉन 2. अब एस के कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं. कोऑर्डिनेट ऑफ एस
एस में आप देखेंगे 5 -1 upon 2 -1 -1 upon 2, दिस इज आपका 4 upon 2 यानी 2, -2 upon 2 यानी -1, यानी एस के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे आर के पी क्यू, आर के कोऑर्डिनेट हुए हमारे 5, -5, 3 upon 2 और एस के कोऑर्डिनेट हुए 2, -1। आफ्टर दैट अब हमें पी क्यू आर एस के कोऑर्डिनेट निकालने के बाद ये शो करना है कि पी क्यू आर एस हमारा स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोम्बस है। तो इसके लिए हमें बाई डिस्टेंस फार्मूला सभी साइड और डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी होगी। तो बाई डिस्टेंस फार्मूला हमारा डी इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट x2 - x1 2 - y1 2। तो यहां से अगर हम निकालना चाहते हैं पी क्यू, पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो 2 + 1 2 - 3/2। सॉल्व करेंगे इसको, 3 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 + 2 4 8 8 - 3 5/2, यानी हमारा बचा है हमारा 5/2 का होल स्क्वायर यानी 25/4, राइट 25/4। आगे सॉल्व करेंगे ऊपर 9 4 36 36 और 25 कितना होगा 36 और 25 61, यानी अंडर रूट 61/2, दिस इज द लेंथ ऑफ पी क्यू हो गया यूनिट। अब निकालते हैं क्यू आर, क्यू आर में भी आप 5 - 2 होल स्क्वायर + 3/2 - 4 होल स्क्वायर, तो सेम उसी तरीके से आपका ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 + 2 4 8 - 5/2 - 25/4। सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा वही आ गया, दैट इज अंडर रूट 61/2 यूनिट। इसके बाद देखिए क्यू आर के बाद आर एस, आर एस फाइंड करेंगे ये 2 - 5 का होल स्क्वायर + -1 - 3/2 का होल स्क्वायर, ये भी 2 - 5 - 3 का स्क्वायर 9 + 2 - 2 2 - 3 - 5 - 5/2 यानी 25/4, सेम वही हो गया, दैट इज अंडर रूट 61/2 यूनिट। ये भी हो गया पी क्यू और क्यू आर आर एस। और अब निकालते हैं एस पी, एस पी निकालने के लिए आप देखेंगे 2 + 1 का होल स्क्वायर + -1 - 3/2 का होल स्क्वायर, सेम वैसे हो गया ये भी 9 + सेम वही कंडीशन है 25/4 2 - 2 2 और -3 - 5/25/4 हो जाएगा 25/5/2 का होल स्क्वायर करेंगे -5/2 का तो 25/4 आएगा। ये सिंप्लीफाई करने पर ये भी वही आएगा 61/2 यूनिट। यानी आप देख रहे हैं पी क्यू क्यू आर आर एस एस पी तीनों चारों साइड इक्वल है, इसका मतलब चारों साइड इक्वल है तो इससे ये डिसाइड नहीं होता कि रोम्बस है या स्क्वायर है। इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, डायगोनल फाइंड करने पड़ेंगे। अगर डायगोनल इक्वल आते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा और अनइक्वल आते हैं तो फिर हमारा रोम्बस हो जाएगा। तो फिर इसके लिए हम निकालते हैं पहले पी आर, पी आर फाइंड करेंगे तो -1 - 5 - 5+1 का होल स्क्वायर + 3/2 - 3/2 यानी 0। सॉल्व करेंगे 36 + 0 दिस इज 6 यूनिट, पी आर आ गया। अब निकालते हैं हम क्यू एस, पी आर के बाद क्यू एस फाइंड करिए
डिस्टेंस फॉर्मूला से 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस इज आपका 0 प्लस 25 यानी 5 यूनिट, दैट्स व्हाई देयरफॉर PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू SP, बट PR इज नॉट इक्वल टू SQ, सो PQRS इज ए रोमबस, यानी PQRS हमारा क्या होगा, रोमबस होगा। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश, आज के लिए वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे।